हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैंने नाइन्थ क्लास का चैप्टर वन का सैंपल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, जो आपको सॉल्व करना है। क्योंकि आप ट्यूशन क्लास में क्या करते हैं, आप पहले उसको चैप्टर को रीड करते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, देन आफ्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होता है, देन आफ्टर यू पीपल आर बीइंग नोट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया जाता है, और उसके बाद लास्ट में टीचर आपका टेस्ट लेते हैं या लेती हैं। तो वही यहाँ हो रहा है। मैं यहाँ पे आज आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगी और देखूंगी कि आपने कितना कुछ पढ़ा है और उसका बेनिफिट भी हुआ या नहीं हुआ। तो आज मैंने आपके लिए टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया है, तो हम टेस्ट पेपर जो है आज देखेंगे, उसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला वीडियो मेरा उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करना होगा, और आज मैं केवल आपको टेस्ट पेपर दूंगी और थोड़े थोड़े हिंट्स दूंगी कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखे। ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करके देख लिया, तो उससे आपका टेस्ट पेपर बीच में जो एक्सप्लेनेशन है वो छूट सकता है। तो चले, जो टेस्ट पेपर मैंने प्रिपेयर किया है उसको हम शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा टेस्ट पेपर है जिसको हम देखेंगे और करेंगे। तो टेस्ट पेपर में मैं सबसे पहले तो अपना पेन वगैरह निकाल लेती हूँ, और तब हम एक्सप्लेन करने में मुझे इजी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, सारे मैंने रीजन वाई टाइप के रखे हैं ताकि आपको रीजन बता सके आप। तो अ गैस फील्स अ वेसल कम्प्लीटली, ऐसा क्यों होता है कि गैस अगर किसी वेसल्स में रखा जाता है, किसी चीज पे रखा जाता है, तो वो कम्प्लीटली जो है किसी कंटेनर को फिल कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि गैस, इसका आंसर मैं अगले बताऊंगी, पर उनके नेचर ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस वाला आंसर होगा, तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, पहला हमने कर लिया। सेकंड हमारा है कैंपर, कैंपर मतलब कपूर, कपूर डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। कपूर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है आप याद कीजिए, कौन सी होती है, क्यों कपूर हो जाता है डिसअपीयर, इसके लिए आप मेरे पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं आंसर आपको नहीं करूंगी, थोड़ा हिंट बस दूंगी। तीसरा है हमारा, दूसरा हो गया, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर इज एसेंशियल। वाटर में फिशेज भी तो रहती है और उनके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, फिर क्यों जरूरी है, आप इसको लिंक करके आंसर इसका ढूंढ लीजिए। उसके बाद है व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, इसका ये इजी है, इसको आप खुद करेंगे, नहीं तो मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे। कॉटन इज सॉलिड बट इट फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई, जैसे स्पंज में कुछ होता था, स्पंज के बीच में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी स्पंज की, तो कॉटन में भी एक है प्रॉपर्टी, उसको आप देख जाएंगे। इसका अगला वीडियो मैं पोस्ट करूंगी, उसमें बताऊंगी। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, देखा है आपने आयरन का अलमीरा जो है सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों है ये, आप पार्टिकल ऑफ नेचर की वजह से सारा है, आप इसको देख लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल परस्पायर अ लॉट ऑन अ ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे में आप देखते हैं बहुत ज्यादा आपको सांस भी लेना पड़ता है और पसीने भी आते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, मतलब बहुत ज्यादा हम परस्पायर करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसको, इसका जो है आप कैसे लिखेंगे, आप सोचते रहिए इसको, और हम अगले वीडियो में इसको भी देख लेंगे। तो हमारा भी हो गया सेवेंथ, अभी मैं नहीं बताऊंगी। अब बलून व्हेन केप्ट इन सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम व्हाई, बलून की प्रॉपर्टी, बलून के अंदर क्या फील करते हैं, तो उस जो चीज फील करते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके आधार पे हम लिखेंगे। हाउ इज द हायर कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ गैस यूजफुल टू अस, जब हायर कंप्रेसिबिलिटी है इसी वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने घर में लेके आ रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। उसका आंसर मैं भी अच्छे से बाद में बताऊंगी। फॉर एनी फिजिकल स्टेट ऑफ अ सस्टेन द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज, ये मैंने कुछ बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन, उससे लिंक करके आपको इसको इससे लिखना है, पहले आपको ट्राई कीजिए। वाई इज वॉटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि वॉटर मोलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, ये भी पार्टिकल के डिस्टेंस का आंसर है, आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कॉटन इज सॉलिड बट फ्लोट ऑन वॉटर, ये मेरे हिसाब से ये जो है रिपीट हो रहा है,
एक बार और भी आ चुका है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ देंगे. कॉटन इज सॉलिड बट इट फ्लोट्स ऑन वॉटर. तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको अभी आप सेम लिख लेंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन को. व्हाई आर सॉलिड जनरली डेंसर देन लिक्विड, तो पार्टिकल का नेचर फिर आएगा यहाँ पे. ठीक है, ये तो रिपीटेड है, ये आप छोड़ देंगे. इसको कभी कभी होता है, आप जब पीपीटी बनाते हैं तो रिपीट कर जाते हैं. तो अगला मैं देखूं, हमारा अगला है, अगला हमारा जो है वो है आपका, पहले मैं क्लियर कर दूं. हाँ, अगला हमारा है, अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल गॉट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉटर. क्यों? फिर इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस को आप लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए कमर्शियल रेफ्रिजरेंट टू फ्लैश फ्रीज फूड. नाइट्रोजन बॉइल्स एट -1960°C. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन टेम्परेचर स्केल. आपको केल्विन में तो निकालने आता है, तो आप केल्विन में इसको निकाल लेंगे. और ये इतने सारे वर्ड्स जो ऊपर सेंटेंसेज है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज, कहाँ होता है यूज, इससे कोई मतलब नहीं है. आपको केवल टेम्परेचर निकालना है, आपसे सीधे केल्विन में कितना होता है. 273 डिग्री में 273 केल्विन होता है, तो इसमें कितना होगा. तो आपको एनसीईआरटी में भी बताया गया है, अपने वीडियो में बताया है, इसमें भी आप देख लेंगे. बाकी ऊपर के सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही एज इट इज बस कंफ्यूज कराने के लिए और थोड़ा लेंदी बनाने के लिए दिया होगा. तो हम ये सारा कर लेंगे और करने के बाद इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ. और अगर करने के बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, हमें नहीं समझ में आता है, तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और ट्राई करेंगे उसको समझने की. लेकिन पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद आप आंसर जो मैं बोलूंगी वो आंसर आप टैली करेंगे, और आंसर आगे पीछे हो सकता है. बट मेन आंसर में बताना क्या चाहा जा रहा है और क्या उसका प्रॉपर आंसर है वो आप ध्यान रखेंगे. और ऐसे मैं हर लेसन का लेके आते रहूंगी. तब तक जो है ये टेस्ट पेपर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.